लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हेरिडिटी के डिस्कस किया था अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड आज हम अपना डिस्कस करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस फ्रॉम द सेम चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्लास 10th, एंड दिस क्लास इज स्पेशली फॉर बोर्ड्स 2021 एस्पायरेंट्स के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस. डाईहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए दैट इसके अंदर हम ओनली टू कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं. जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में क्या किया था, हम एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं. डाईहाइब्रिड के अंदर हम एक टाइम पर दो कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं. लाइक हम कह सकते हैं, लाइक हम आपके एनसीईआरटी एग्जांपल ही लेके चलेंगे. फॉर एग्जांपल सीड शेप एंड सीड कलर, ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं. डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं पाइसम सैटिवम के, इनको लेकर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस अपना जो है कवर अप करेंगे. सबसे पहला रूल सेम, जब भी कोई क्रॉस करना है तो मेंडल ने क्या बोला था, हमेशा प्योर पेरेंट्स को चूज करना है. प्योर पेरेंट्स का मतलब हाइब्रिड चूज नहीं करने, राइट. हाइब्रिड कौन होते हैं, लाइक हमने लास्ट टाइम किया था कैपिटल टी स्मॉल टी, दीज आर हाइब्रिड. हमने हाइब्रिड्स को चूज नहीं करना, हमने प्योर पेरेंट्स को चूज करना है. लाइक कैपिटल टी इज़ योर प्योर पेरेंट, स्मॉल टी इज़ योर प्योर पेरेंट. इन केस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस अगेन हमने प्योर पेरेंट्स को चूज करना है, क्योंकि है ये वही चीज़, अगेन क्रॉस करना है और टू कैरेक्टर्स को लेते हुए क्रॉस करना है. आज बस एक ट्रिकी चीज़ रहेगी, वो है गैमेट फॉर्मेशन. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. हम सबसे पहले अपना क्रॉस स्टार्ट करते हैं. सो एज यूजुअल सबसे पहले हम पेरेंट्स लिखते हैं. पेरेंट्स में हमने एग्जांपल चूज की है सीड शेप एंड सीड कलर. सो अकॉर्डिंगली हमारे पास आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, क्रॉस्ड विद स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई राइट. ये इसका मीनिंग क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस इज राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो. स्मॉल आर स्मॉल वाई क्या है, रिंकल्ड एंड ग्रीन. क्लियर. सो यहां पर आपको पता है राउंड क्या होती है, सीड शेप. येलो का मतलब सीड कलर. ये देखो दोनों हमने क्या लिए हैं, दोनों प्योर लिए हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर. अगर हम चूज करते कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसका मतलब था हमने इम्प्योर पेरेंट्स को चूज किया है. बट यहाँ पर हमने चूज किए हैं प्योर पेरेंट्स. सो हम इनको नहीं चूज करेंगे, हाइब्रिड को कभी भी नहीं चूज करना मेंडल के क्रॉस करने के टाइम पर, राइट. अब आप लोग मेरे साथ ये क्रॉस सॉल्व करना, तभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होगी इसमें. नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, गैमीट्स. गैमीट्स जब भी चूज करने हैं, कल वाला रूल याद है, कल हमने लिखा था एक गैमीट के अंदर एक एलील जाता है, याद है ना ये चीज, एक गैमीट के अंदर एक एलील एंटर होता है. तो यहां पर गैमीट्स बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई. क्योंकि हमारे पास टू डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं तो इस हिसाब से गैमीट्स आएंगे, राइट. अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताती हूँ. बच्चे नॉर्मली यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो गैमीट्स बनाते हैं कैपिटल आर एक, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. ये चीज़ एकदम गलत है, ऐसे गैमीट्स नहीं बनाने हैं. दूसरा बच्चे एक फिर मेथड अपनाते हैं कैपिटल आर एक साथ, कैपिटल वाई एक साथ, ये भी गलत है. अब आप मुझे खुद बताओ, अगर इस वे के गैमीट्स बनाए हम, जैसे कि ह्यूमंस के केस में जब एग्स बनते हैं, एग्स भी क्या है हमारे गैमीट्स,
हर सारे कैरेक्टर्स के अलील एक ही एग के अंदर होते हैं, या फिर ऐसा होता है जितने कैरेक्टर्स हैं उतने एग्स बनते हैं? नहीं ना, सारे गैमीट्स एक ही गैमीट के अंदर सारे एलील्स प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर भी क्या होगा, एक ही गैमीट के अंदर सारे कैरेक्टर्स का एक एक एलील जाएगा। ऐसा नहीं होगा जितने कैरेक्टर्स हैं उतने गैमीट्स बनेंगे, नो, एक ही गैमीट के अंदर सारे एलील्स एंटर होते हैं। सो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरी चीज़ ये, इसमें हमने क्या किया, एक ही कैरेक्टर के दोनों एलील्स एक ही गैमीट के अंदर डाल दिए, ये भी गलत है, क्योंकि एक गैमीट के अंदर एक ही एलील एंटर होता है, दूसरा एलील दूसरे पेरेंट के गैमीट से आता है। ये चीज़ क्लियर है ना सभी को? सो यहाँ गलती नहीं करनी है, ये गैमीट्स बिल्कुल ध्यान से बनाने हैं। अब एक इसका ना शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट है, कुछ बच्चे ऐसे भी बना लेते हैं, ये थोड़ा ईजी मैथड है। सपोज इसके गैमीट्स बनाने हैं, जैसे हमने कल लाइन्स लगा के क्रॉस किया था ना, कैपिटल आर इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर इसके साथ भी आ सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन ये वाला कैपिटल आर इस वाई के साथ आ सकता है, अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये वाला कैपिटल आर इस वाई के साथ भी आ सकता है। तो ये हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा हो गया। ओके, जी हाँ मैं हूँ अभिषेक, समझ नहीं आया? ओके लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, पेरेंट्स, पेरेंट्स हमने चूज किए प्योर, ये बात क्लियर है। अब हमने यहाँ पर गैमीट्स बनाने हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन तभी हो सकती है जब पेरेंट्स के गैमीट्स बनेंगे और गैमीट्स आपस, जब तक गैमीट्स नहीं बनेंगे तब तक हमारे पास जो है पेरेंट्स की आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। सो सबसे पहले पेरेंट्स से गैमीट्स बनाने हैं। अब यहाँ पर गैमीट्स बनाने थोड़े से ट्रिकी होते हैं, उसका सिंपल सा ये मेथड आप लेके चलो कि अगर हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो आप कैसे करोगे, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ लिख सकते हैं, सिमिलरली ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ भी आएगा और ये वाला कैपिटल आर इस वाई के साथ भी आएगा। सो ये हमारे पास आ गए गैमीट्स। ये आपके लिए हो गया इजी मेथड, मतलब ये एक मेथड की तरह काम करेगा। अगर मैं थ्योरी की बात करूं कि ये चीज़ हुई कैसे है, देन उसका है कि हमेशा एक गैमीट के अंदर एक जीन का एक एलील एंटर होता है, एक गैमीट के अंदर एक जीन का एक एलील एंटर होता है, राइट? तो अगर अब हमारे पास ये दो एलील्स हैं, दोनों में से एक एलील एक गैमीट के अंदर जाएगा, फर्स्ट थिंग ये समझ में आनी चाहिए कि दोनों में से एक एलील एक गैमीट के अंदर एंटर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ कैरेक्टर्स दो हैं, यहाँ एक कैपिटल वाई भी कैरेक्टर है। अब इसको अलग जीन गैमीट के अंदर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जितने कैरेक्टर्स होते हैं उतने गैमीट्स बनते हैं, नो, एक ही गैमीट के अंदर सारे कैरेक्टर्स का एलील आता है। सो इसी के अंदर कैपिटल वाई भी आएगा। अगर मैं तीन कैरेक्टर ले लूँ ना, अगर हम थ्री कैरेक्टर्स चूज कर लें, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, राइट? तो इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स का एक एक एलील एक ही गैमीट के अंदर लेकर आना है। अभी क्लियर हुआ गैमीट फॉर्मेशन? ये गैमीट फॉर्मेशन करोगे समझ में आएगा तो ही हम क्रॉस को फर्दर कर सकते हैं, अदरवाइज ये समझ में नहीं आया तो हम क्रॉस को आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। ये चीज क्लियर हुई बच्चों? सो हमारे पास ये ऐसे आ जाता है अभी कि तीन कैरेक्टर्स थे, तीनों कैरेक्टर्स का एक एक एलील हमने एक गैमीट के अंदर डाल दिया। सो ऐसे अगर चार आ जाते, हम यहाँ पर चार लिखते,
पांच आते हैं तो यहाँ पर पांच लिखते, ऐसे ही सो ऑन थाउजेंड कैरेक्टर्स भी आएंगे तो थाउजेंड कैरेक्टर्स का एक एक एलील एक गैमीट के अंदर एंटर होगा, राइट? ओके, सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा दैट मैं कैसे बोल रही हूँ. ओके ग्रेट. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्रॉस के साथ, विच इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस. सो अब हम शुरू से लिखते हैं. सबसे पहले हमारे पास पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन से चूज किए? प्योर पेरेंट्स, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस्ड विद स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई. ये है हमारे पास राउंड एंड येलो. ये है हमारे पास राउंड एंड येलो और स्मॉल है रिंकल्ड एंड ग्रीन. अनामिका नहीं आया बच्चे, तो बच्चे आप ऐसा करना दोबारा से इसकी एक बार रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना, ठीक है? नहीं तो अब हम दोबारा कर रहे हैं ना क्रॉस को, अभी समझ में आएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट राइट नाउ. और मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ ना बच्चे, ट्राई करो कि आप भी अपनी नोटबुक्स में मेरे साथ साथ ही लिखो, ठीक है? सो मैं दोबारा से एक बार फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ. हमारे पास नेक्स्ट है गैमीट्स. गैमीट्स कैसे बनेंगे? अब देखो, कैपिटल आर मतलब ये दोनों मिलकर एक जीन बना रहे हैं और ये कैपिटल वाई हमारे पास सेकेंड जीन है. तो यहाँ पर हमेशा रूल होता है जो गैमीट्स बनाने का गोल्डन रूल है, एक गैमीट के अंदर एक एलील जाता है, राइट? एक गैमीट के अंदर एक एलील एंटर होता है. सो अब यहाँ पर इस एक जीन का एक एलील आएगा क्योंकि दोनों हमने एक गैमीट के अंदर नहीं डालने. सो दोनों में से एक एलील एक गैमीट के अंदर एंटर होगा. सिमिलरली दूसरे जीन का भी एक एलील एक ही गैमीट के अंदर आएगा क्योंकि हमेशा जितने मर्जी कैरेक्टर्स हों हमारे पास, हमेशा एक गैमीट के अंदर एक एलील एंटर होता है सारे कैरेक्टर्स का, राइट? गुड इवनिंग उज्जवल. नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई. उसके बाद हम इसके बनाएंगे स्मॉल आर वालों के. इसके क्या आएंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई, जैसे हमने यहां एक्सप्लेन किया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. ये हमारे पास आ गए रिसेसिव पेरेंट के गैमीट्स. अब देखो सारे गैमीट सेम है, इसके भी सारे गैमीट सेम है, इसके भी सारे गैमीट सेम है, तो जो हमारे पास एक का आंसर आएगा सभी का वही आंसर आएगा. लाइक अगर मैं इसको इसके साथ क्रॉस करूं तो क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट? इसको इसके साथ करें अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब कि सभी को क्रॉस करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही आएगा. अब यहाँ पर भी आप एक दो रूल्स देख लो जो इम्पॉर्टेंट हैं कि कभी भी आप लोगों ने, एक तो वही आ गया कि ऐसे नहीं लिखना कि पहले रिसेसिव लिख दो और बाद में डोमिनेंट, क्योंकि हमेशा पहले डोमिनेंट आता है और फिर रिसेसिव आता है. सेकंड थिंग, आपने ऐसा भी नहीं करना कि पहले आप जैसे अपने पेरेंट्स के केस में लिखा हुआ है पहले राउंड और बाद में येलो, बट आप जब इसको लिखो हमारे पास जो बच्चे बनाओगे F1 जनरेशन बनाओगे तब आप लोग ये नहीं लिख सकते, ये भी गलत है क्योंकि फिर उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा जैसे हमने पेरेंट्स के केस में लिखा है. पेरेंट्स के केस में हमने सबसे पहले कंसीडर किया है सीड शेप, सो पहले हम सीड शेप ही लिखेंगे दैट इज राउंड, और उसके बाद हमने लिखा है सीड कलर तो हम सीड कलर ही लिखेंगे दैट इज येलो. सो हमारे पास आ गया राउंड एंड येलो. अब आप सब बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? ये आ गई हमारे पास F1 जनरेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा राउंड एंड येलो बिकॉज स्मॉल आर हेयर इज रिसेसिव एंड स्मॉल वाई हेयर इज ऑल्सो रिसेसिव, सो अपना इफेक्ट सिर्फ कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही शो करेंगे.
तो हमारे पास जो एफ वन जनरेशन आएगी वो सारी क्या आएगी, राउंड एंड येलो। अब इसको अगर आपको ऐसे मुश्किल लगता है तो अगेन आप पुनेट स्क्वायर बना सकते हो। लाइक अगर एक साइड हम लिख लें एक पेरेंट के गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरी साइड स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। अब आप लोग इसको क्रॉस कंप्लीट कर लो अपनी अपनी नोटबुक्स में, मेरे साथ ही इसको कंप्लीट कर लो। आई होप कल आपको समझ में आया होगा, लास्ट लेक्चर में हमने पुनेट स्क्वायर डिस्कस किया था। सो करना कुछ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन टाइप ही इसको लेकर चलना है। लाइक यहाँ से इसको इसके साथ तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको अगर इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इसके साथ करेंगे अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी अगर इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। सो अगेन फटाफट सारा करेंगे तो हमारे पास यही आएगी सारी प्रोजेनी। एज मैंने पहले ही बोला था, सारी हमारे पास सारे एफ वन जनरेशन में बच्चे सेम आते हैं क्योंकि सारे गैमीट्स ही सेम हैं। सो ये आ गया हमारे पास सारे राउंड एंड येलो सीड्स, ऑल द सीड्स आर राउंड एंड येलो बिकॉज स्मॉल आर दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन कैरेक्टर इज रिसेसिव ओवर राउंड एंड येलो, क्लियर। सो ये हमारे पास आ गया राउंड एंड येलो, ये हमारे पास है एफ वन जनरेशन। मतलब फर्स्ट जनरेशन आ गई बच्चों की, पेरेंट्स से जो बच्चे आए। अब यहां पर सारी एफ वन जनरेशन क्या है, राउंड एंड येलो। अब जैसे हम मेंडल को पीछे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक डाउट आया था, सिमिलरली डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी मेंडल को एक डाउट आया, और वो डाउट था कि हमारे पास सारे एफ वन जनरेशन में बच्चे राउंड एंड येलो आए हैं। तो मेंडल को लगा कि हमारे पास सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ही आ सकती हैं। क्या लगा था मेंडल को, कि सभी हमारे पास सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ही बनेंगी, कोई भी नॉन पेरेंटल टाइप नहीं बनेगा। नॉन पेरेंटल एंड पेरेंटल टाइप अब क्या है, पेरेंटल टाइप का मतलब है पेरेंट्स के जैसे, नॉन पेरेंटल टाइप का मतलब है पेरेंट्स के जैसे नहीं हो। सो अब अगर हम बात करें पेरेंटल टाइप की, तो पेरेंटल टाइप कौन कौन सी हैं, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, दीज आर पेरेंटल टाइप्स। और अगर हम बात करें राउंड एंड ग्रीन और सेकंड रिंकल्ड एंड येलो, ये हैं नॉन पेरेंटल टाइप्स, दीज आर नॉन पेरेंटल टाइप्स। सो मेंडल को लगा था कि जैसे हम पेरेंट्स चूज करते हैं, मींस राउंड एंड येलो पेरेंट्स को चूज किया, रिंकल्ड एंड ग्रीन पेरेंट्स को चूज किया, तो हमारे पास एफ वन जनरेशन भी वैसी ही आती है। अगर हम चूज करते राउंड एंड ग्रीन पेरेंट्स को तो एफ वन जनरेशन भी सारी राउंड एंड ग्रीन आती, क्योंकि मेंडल को लगा था कि सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ही बन सकते हैं, नॉन पेरेंटल टाइप्स नहीं बनेंगे। अब मेंडल का ये डाउट क्लियर करने के लिए अगेन वो क्या करेगा, सेल्फिंग। सेल्फिंग का क्या मतलब होता है, कि इनमें से किन्हीं दो भाई बहन को आपस में क्रॉस करवा देगा। सपोज हम ये चूज कर लेते हैं, तो अब हमारे पास पेरेंट्स क्या आ गए, नाउ पेरेंट्स आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस्ड विथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। अब गैमीट्स, थोड़ा ट्रिकी पोर्शन अगेन, कि इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे। बेस्ट मेथड है कि आप वैसे ही बनाओ, जैसे मैंने आपको बोला ना कि जैसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं और उसके अंदर गैमीट्स बनाते हैं, आप वैसे ही गैमीट्स बनाओ। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आ सकता है, तो एक गैमीट आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई।
कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आ सकता है, तो दूसरा आ गया कैपिटल आर स्मॉल वाई। अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ आ सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमारे पास ये आ गए गैमीट्स। इस पेरेंट के भी गैमीट सेम बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। क्योंकि दोनों पेरेंट सेम है तो दोनों गैमीट्स भी हमारे पास एकदम सेम आएंगे। अब हम यहां पर बनाते हैं इनकी F2 जनरेशन, मतलब कि सेकेंड जनरेशन इनकी। अब देखो अगर मैं इनको लाइंस लगा के करूँ ना तो थोड़ा सा हॉचपॉच हो जाएगा, तो हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। ये रब कर दूं मैं, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। आप गैमीट्स नोट कर लो, ये सारे गैमीट्स का पुनेट स्क्वायर आप भी बनाना साथ साथ। सो पुनेट स्क्वायर F2 जनरेशन, यहां पर हम ऊपर लिख लेते हैं एक पेरेंट के गैमीट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। और यहाँ हम लिख लेते हैं दूसरे पेरेंट के गैमीट, सपोज यहाँ मेल के लिख रहे हैं, यहाँ फीमेल के लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब हम अगेन वही मेथड से स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। अब ये स्क्वायर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब देखो इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसको इसके साथ करेंगे देन अगेन कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, देन इसको लास्ट वाले के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। रूल्स याद रखने हैं कि पहले हमेशा डोमिनेंट लिखना है और पहले वही कैरेक्टर लिखना है जो हमने पेरेंट्स में चूज़ किया। लाइक हमने पहले पेरेंट्स में राउंड सीड को चूज़ किया है, मतलब सीड शेप को चूज़ किया, तो हम सबसे पहले सीड शेप को ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया F2 जनरेशन का पुनेट स्क्वायर। अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। अब देखो यहाँ पर ना एक और डाउटफुल रहता है कि इसमें बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, कैपिटल वाई पहले लिख देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक रूल याद रहता है दैट मैम ने बोला था कि पहले डोमिनेंट वाला लिखना है, तो मैम ने साथ में ये भी बोला है कि पहले सीड शेप ही लिखनी है, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव, तो पहले स्मॉल आर ही आएगा, उसके बाद कैपिटल वाई आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने अपना जो है पेरेंटल टाइप्स के अकॉर्डिंग ही कैरेक्टर्स को लिखना है। क्लियर? सो नाउ अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम काउंट करेंगे राउंड एंड येलो सीड्स का, राउंड एंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये हमारे पास क्या है, राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई
ये है हमारे पास रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो अभी इसको काउंट नहीं करते। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, एक सेकेंड इसको रब ही कर दें। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड एंड येलो, और ये भी क्या है राउंड एंड येलो। तो हमारे पास बस यही इनकी ना ट्राइंगल बनती है, ये देखो कैलकुलेट करना इजी है, ये ट्राइंगल बनती है, सिर्फ यही नाइन है। राउंड एंड येलो कितने होते हैं हमारे पास नाइन, काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, हम काउंट करते हैं राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, राउंड एंड ग्रीन राउंड एंड ग्रीन राउंड एंड ग्रीन, सो राउंड एंड ग्रीन कितने हैं 3। नेक्स्ट हम देखते हैं रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं 1 2 3, सो रिंकल्ड एंड येलो हो गए 3। लास्ट रिंकल्ड एंड ग्रीन, सो जो हमारे पास मेंडल को डाउट था, ये दो कैटेगरीज ने मेंडल का डाउट क्लियर कर दिया, दैट पेरेंटल टाइप्स को छोड़कर हमारे पास नॉन पेरेंटल टाइप्स भी आ सकते हैं, क्योंकि मेंडल को लगा था सिर्फ हमारे पास आ सकते हैं या तो राउंड एंड येलो या फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन, बट जो हमारे पास आए ऑफस्प्रिंग्स F2 जनरेशन में राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड एंड येलो 3-3, ये इसने मेंडल का डाउट क्लियर कर दिया दैट नहीं नॉन पेरेंटल टाइप्स भी आ सकते हैं। सेकेंड थिंग, डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशो क्या आई है, ये आ गई फिनोटिपिक रेशो, क्योंकि हमने आउटर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर काउंट किया, जीन्स को लेवल जीन्स के लेवल पर देख के काउंट नहीं किया, क्योंकि जीन्स के लेवल पर ये दोनों सेम नहीं है, बट हमने फिर भी इनको काउंट किया है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, दैट वो आउटर अपियरेंस से हमें कैसे लग रहे हैं, सिर्फ वही देख के हम ये काउंट कर रहे हैं। सो फिनोटिपिक रेशो आ गई यहाँ पर 9:3:3:1, दिस इज द फिनोटिपिक रेशो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में हमारे पास फिनोटिपिक रेशो क्या आई थी 3:1, यहाँ पर है 9:3:3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशो बहुत लंबी होती है, वो हम 10th लेवल पर नहीं करते हैं, वो हम हायर क्लासेस में करते हैं। सो फिनोटिपिक रेशो ये याद रखनी है, यहाँ पर ये भी याद रखना है दैट 9 क्या है राउंड एंड येलो, 3 क्या है राउंड एंड ग्रीन, 3 अगेन राउंड एंड येलो, 1 इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर, सो दिस इज आर डाई हाइब्रिड क्रॉस, इंपॉर्टेंट है ये और आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, सो ये कर लेना बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने देखना है, और स्पेशली हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, यहां पर हमने देखना है कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब हम जेंडर कैसे पता लगा सकते हैं कि बेबी जो है न्यू बॉर्न बेबी वो गर्ल होगा या बॉय होगा, सो उसका भी देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये चीज क्लियर है। 46 में 44 क्या होते हैं हमारे पास ऑटोसोम्स, 44 क्या होते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम्स, और 2 होते हैं एलोसोम्स, ये नाम याद रखना एलोसोम्स, एलोसोम्स का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम। सो 44 आर ऑटोसोम्स 2 एलोसोम्स, एलोसोम्स मींस सेक्स क्रोमोसोम। सो अगर हम बात करें मेल की, मेल के अंदर होते हैं 44 प्लस एक्स वाई, 1x एंड अनदर इज y, फीमेल के अंदर होते हैं 44 प्लस xx, मतलब दोनों ही x होते हैं, बट मेल के अंदर एक x होता है एक y, फीमेल के अंदर दोनों xx, 44 ऑटोसोम्स एंड दीज टू आर एलोसोम्स। अब हम बनाते हैं इनका क्रॉस।
अब देखो मेल का और फीमेल का, मेल के पास कितने हैं 44 प्लस एक्स वाई एंड फीमेल के अंदर 44 प्लस एक्स एक्स। अब जब इसके गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स में कैसे बनेंगे, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, हाफ हाफ क्रोमोसोम्स हो गए, 22 प्लस एक्स मीन्स 23, 22 प्लस वाई मीन्स 23, हाफ हाफ क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ पर 44 प्लस एक्स एक्स, 22 प्लस एक्स और दूसरा भी क्या आएगा 22 प्लस एक्स, राइट। अब हम इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं, दोबारा लिख लेते हैं एक बार, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, ये हो गए हमारे पास ह्यूमन मेल के गैमीट्स, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, ये हो गए फीमेल के गैमीट्स। ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या आएगा 44 प्लस एक्स एक्स, ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो आएगा 44 प्लस अगेन एक्स एक्स। मतलब दोनों ही केसेस में क्या हो रही है, गर्ल पैदा हो रही है। इस केस में क्या आएगा 44 प्लस एक्स वाई और ये इसके साथ करेगा तो फिर 44 प्लस एक्स वाई, मीन्स कि यहां पर क्या आ रहा है मेल। तो ऑलवेज ये ह्यूमन मेल डिसाइड करता है कि गर्ल पैदा होगी या बॉय, क्योंकि इन केस ऑफ फीमेल्स ऑल एग्स आर सेम, इन केस ऑफ फीमेल सारे एग सेम होते हैं बट ऑल स्पर्म्स आर नॉट सेम, ऑल द स्पर्म्स आर नॉट सेम, सो ह्यूमन स्पर्म विल डिसाइड दैट द न्यू बॉर्न बेबी विल बी अ गर्ल और अ बॉय। लाइक यहां पर भी कौन सा स्पर्म एग के साथ फ्यूज हुआ यही डिसाइड करेगा कि गर्ल पैदा होगी या बॉय। हमेशा हर रिप्रोडक्शन के टाइम पर 50% चांसेस होते हैं गर्ल के पैदा होने के और 50% चांसेस होते हैं बॉय के। अब अगर आप यही क्रॉस अपनी बुक्स में देखोगे तो बुक्स में ये सिंपली ऐसे किया होता है, वो भी आप बिल्कुल सही है, उसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली वहाँ पर लिखते हैं मेल फीमेल, मेल के केस में लिखते हैं एक्स वाई, फीमेल के केस में एक्स एक्स, मतलब वो सिर्फ एलोसोम्स लिखते हैं, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स, वो ऑटोसोम्स को मेंशन नहीं करते। देन ये बना देते हैं एक्स और वाई गैमीट्स बन गए, अगेन एक्स एक्स गैमीट्स आ गए, देन क्रॉस शो कर देते हैं, एक्स एक्स आ गया, एक्स एक्स अगेन, देन एक्स वाई एंड एट लास्ट एक्स वाई। सो अगेन सेम ही है, 50% चांसेस हैं गर्ल पैदा होने के एंड 50% चांसेस हैं बॉय के। सो दोनों ही मेथड सेम है, बुक्स के अंदर ऐसा होता है, पेपर में ऐसा भी कर सकते हो, और बुक्स के अंदर एलोसोम्स एटोसोम्स दोनों लिखकर भी होता है तो आप वैसे भी लिख सकते हो, दोनों ही मेथड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज इट, हमारा आज डाईहाइब्रिड क्रॉस खत्म हो गया और सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बेसिकली जो चीज़ें बची हैं वो है हमारे पास एक ब्लड ग्रुपिंग और थोड़ी सी थ्योरी, उसके बाद हमारा हेरिडिटी टॉपिक